पूरी खबरें विश्लेषण जिम्मेदारी के साथ अब आपको मिलेगी एक क्लिक पर। डाउनलोड कीजिए 7i न्यूज एंड्रॉइड ऐप। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 7i न्यूज। केसली में राशन पर्ची पात्रता के सत्यापन के संबंध में प्रोजेक्टर के माध्यम से केसली में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सागर से आए जिला खाद्य नियंत्रक JL चौहान ने दिया, जिस दल में पंचायत सचिव एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित एक नोडल अधिकारी नियुक्त रहेगा। नोडल अधिकारी को 10 पंचायतों का प्रभार दिया जाएगा। सत्यापन कैसे करना है यह प्रशिक्षण में बताया गया। जितने नाम हटाने या नाम जोड़ने सत्यापन का कार्य कल से प्रारंभ कर सकते हैं। कार्यक्रम में जिला खाद्य नियंत्रण JL चौहान, तहसीलदार कमलेश अग्रवाल, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी प्रशांत लोधी, नायब तहसीलदार राघवेंद्र पटेल, खाद्य निरीक्षक पलक खरे, खाद्य निरीक्षक सागर ग्रामीण बसंत जाटव, चारू जैन, भावना तिवारी, सभी पंचायतों के सचिव, सहायक सचिव ने प्रशिक्षण में भाग लिया। सागर से अमित धंधीरिया की रिपोर्ट। हमने जिले में पात्रता पर्ची का सत्यापन हेतु शासन द्वारा जो अभियान चलाया गया है, पूरे मध्य प्रदेश में भी चल रहा है और अपने सागर जिले में भी चल रहा है। सागर जिले में हमने पूरे 11 ही ब्लॉक के 2142 दल बनाए हैं और दल में 2 सदस्य रखे हैं, एक प्रथम और एक द्वितीय सचिव और एक महिला बाल विकास का। तीसरा, हमने एक नोडल अधिकारी हर 10 पंचायत में बनाया गया है। कमलनाथ कैबिनेट में विस्तारों की अटकलों के बीच अब एक और कांग्रेसी विधायक ने मंत्री पद की दावेदारी के लिए ताल ठोक दी है। मंदसौर जिले के सबसरा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डग ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह मेरी व्यक्तिगत मांग नहीं है, क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं मंत्रिमंडल के शामिल होकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूँ। पीडीसी में संगठन की बड़ी बैठक से पहले विधायक ने मीडिया के सामने अपनी दावेदारी की। सुबसरा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डग ने मीनाक्षी नटराजन के खेमे से आते हैं और मंदसौर जिले में कांग्रेस के इकलौते विधायक हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, इसके लिए मंत्रिमंडल में क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बता दें कि सरकार के गठन के बाद से ही डग ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग चल रही है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर विधायक हरदीप सिंह डग ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने की खबरें वायरल हुई थी। हालांकि विधायक हरदीप सिंह डग ने इन खबरों का खंडन किया है। एक बार फिर उन्होंने मंत्री पद के लिए दावेदारी जताई है। अब देखना होगा कि उन्हें कैबिनेट में स्थान मिलता है या नहीं। भोपाल से भज्जे सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर महानगर में तिगरा के पास एक पवित्र स्थल है जो कि देवखो नाम से प्रसिद्ध है, जो सुंदर के साथ साथ धार्मिक भी है। कई सारे जानवर वहां रहते हैं, किंतु लोगों ने उसे पिकनिक पॉइंट या मनोरंजन स्थल का समझ रखा है और वहां जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं। लोग एक स्वच्छ और सुंदर स्थान को गंदा कर रहे हैं। आज ग्वालियर के कुछ फोटोग्राफर ने मिलकर पवित्र स्थल देखा और गंदगी देखकर उनका मन फोटो शूटिंग की जगह सफाई की तरफ गया। टीम के सभी लोगों ने बड़े ही लगन के साथ सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया, जिसका नेतृत्व रोमी सिंह ने किया। वहां जाकर सबने सफाई में अपना योगदान दिया और करीब 10 से 12 बड़े बड़े थैले गंदगी प्लास्टिक से भरे हुए उनको अपनी गाड़ियों में डालकर ग्वालियर लाया गया और नगर पालिका के डस्टबिन में कचरे के 10 से 12 पैकेट डाले। सभी फोटोग्राफर के नाम थे गगन यादव, निकेश बेरी, अनिल सिंह, नितिन अग्रवाल, बनी सिंह, अनन्मय आर्यजी, रौनक, गगन कोरकू, हर्षित अग्रवाल, हितेश शर्मा, जय बरेलिया, शशांक गोयल, हेमंत कुशवाहा, अंजुल और कुछ अन्य भी। ग्वालियर से आसिफ खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।